बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए क्विज से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं AIUU इन्फो चैनल पर, जो लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी और उससे बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है, जिसमें आप क्विज़ में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। लेकिन ये वीडियो उसी वीडियो की सीरीज़ में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस की हैं क्विज़ के अंदर, वो मैं चाहता हूँ कि क्विज़ से रिलेटेड तमाम स्टूडेंट्स को आगाह कर दूँ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखने, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब आपका अपनी मर्ज़ी है कीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये मेरी वीडियो मिल रही है, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैं क्विज़ का आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये क्विज़ पहला सवाल आप लोगों का यही आता है कि ये सभी स्टूडेंट के लिए है। तो मेरा एक दोस्त जो कि MSc पाकिस्तान स्टडी कर रहा है, उसके लिए ये कहूँगा कि पाकिस्तान स्टडी वालों के लिए नहीं है। ठीक है, उर्दू वालों के लिए ये क्विज़ नहीं है, ये उन डिग्रीज़ के लिए है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर MEd, BEd, इसी तरीके से MEd BEd हो गया, MA एजुकेशन हो गया, अब MA स्पेशल एजुकेशन हो गया, ये तमाम जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड डिग्रीज आ रही होती हैं उन्हीं के साथ लिंक है। अच्छा, इसका मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये भी वीडियो आपने देखनी है, इसके अंदर भी मैंने काफ़ी ट्रिक्स शेयर की हुई हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का लॉग इन आई डी होना लाजमी है, और ये क्विज़ हमेशा आप लोग याद रखोगे कि ये क्विज़ आपकी वर्कशॉप खत्म होने के बाद एक दिन के लिए आपके पास एक्सेस होगी, आप इसको अलाउ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, मिसाल के तौर पर आपके सामने कोर्स कोड शो हो रहे हैं, ये प्रीवियसली आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपके पास 8603040506 0, ये तमाम कोर्सेज हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये जो एग्जाम्पल है, इसमें 26 तारीख को जो है वो 26 तारीख को आपकी वर्कशॉप ख़त्म हुई है, तो उसके बाद ये आपका क्विज़ आया है, यहाँ पर आपका क्विज़ का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से जब आप आगाही LMS पोर्टल लॉगिन करोगे, अगर ये आपके सामने ये शो हो रहे हैं और क्विज़ वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो उम्मीद है कि आपका जैसे ही लास्ट डेट होगी आपका ये क्विज़ का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आजकल जो अटेंडेंस है इससे रिलेटेड मैं आपको एट दी एंड ऑफ वीडियो बताऊँगा। ठीक है, आपने जिस दिन मिसाल के तौर पर लास्ट डे होगा, आपने क्विज़ के पर क्लिक करना है। ठीक है, क्विज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि अटेम्प्ट क्विज नाउ लिखा हुआ आएगा। अब यहां पर जो चेंजेस आई हैं वो बताने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर कर लिया तो मैं वेट कर रहा हूं। 1 2 3 4 प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है और वीडियो को लाइक करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं जितना मेहनत इसके ऊपर कर रहा होता हूँ, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आप तो सिर्फ कह रहे होते हो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए ये वेबसाइट डेवलप की है। ठीक है, ये AIUU इन्फो की स्पेशल वेबसाइट आप लोगों के लिए क्रिएट की है, जिसके ज़रिए मैंने आज आपको बताना है। अगर यही काम मैं किसी अपवर्क फाइवर पर करूँगा या डिफरेंट वेबसाइट पर करूँगा, वहाँ पर मुझे डॉलर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की दुआएँ मिलती जाती हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर अटैम्प्ट क्विज नाउ का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो होगा वो आपके सामने जो है वो क्विज़ आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो मैं प्रैक्टिकली आपको अभी करके दिखाऊँगा अटैम्प्ट क्विज नाउ किस टाइम आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखोगे आप लोग कि पहले आपके पास अटेम्प्ट 2 होती थी। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ 1 अटेम्प्ट होगी, मतलब अगर आपने एक दफा ओपन कर दिया क्विज तो आपके पास 20 मिनट होंगे, और 20 मिनट के अंदर अंदर आपने 20 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, और अगर आपने 20 सवालों के जवाब जो हैं वो आंसर आप लोगों ने जो है वो ना दिए 20 मिनट के अंदर अंदर, तो इससे ही अल्टीमेट ये होगा आपका कि उसके बाद आपके पास दोबारा उस क्विज़ को आप ओपन नहीं कर सकोगे, ना ही उस क्विज़ के जवाब दे सकोगे। और दूसरी बात यह है कि वो ये क्विज़ के नंबर आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल है। ठीक है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर अच्छा, दूसरा क्विज़ जो होगा वो 24 घंटे के लिए वैलिड होगा। मिसाल के तौर पर ये क्विज़ जो है जैसे 27 फरवरी 2022 को ओपन हुआ है, तो ये जो है वो ये शाम के टाइम जो होगा वो रात 12 बजे या उससे पहले, दिस क्विज़ क्लोज ऑन 27 फरवरी 4 बजे। अच्छा, अब ये रात के टाइम नहीं है, ये 4 बजे क्लोज़ हो जाएगा, मतलब ये 26 तारीख को 4 बजे आया क्विज़, और एक दिन बाद जो है वो 27 तारीख को 4 बजे ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें 20 नंबर हैं और हाईएस्ट ग्रेडिंग को अभी आप फिलहाल रहने दें। ठीक है, ये होता है कि मिसाल के तौर पर इसमें आपके 40 नंबर आ गए, इसमें आपके 50 नंबर आ गए, तो दूसरी अटैम्प्ट को वो कंसीडर कर
करेगा। मिसाल के तौर पर शुरू में आपके 50 नंबर आ गए, फिर कम हो गए तो ये हाईएस्ट ग्रेडिंग ही अलग चीज़ है। अच्छा, अब आपने जो है डिज़ायर टाइम पर आपने ये वेबसाइट आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया, क्विज पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इस इधर ही अटेम्प्ट क्विज नाउ का बटन होगा, आपने उस पर क्लिक कर दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट पर आपको लेकर जाता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हो, ये कोर्सेज आपके सामने जैसे ये शो हो रहे हैं, ये एग्जैक्टली मैंने आपके सामने जैसे ये हैं, ये इसी तरह, और अटेम्प्ट क्विज नाउ का बटन जो है वो ये है। अब मैंने मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक किया, ठीक है, अब मेरा यहाँ पर आ गया अटेम्प्ट क्विज, ठीक है। अटेम्प्ट क्विज यहाँ पर एक आ गया कि मेरे पास एक अटेम्प्ट है और 20 नंबर है, ठीक है। मैंने अटेम्प्ट क्विज नाउ करता हूँ तो यहाँ पर वो मुझे ये बता रहा है, यू हैव 20 मिनट्स, विल स्टार्ट द टाइमर, यू विल बिगन काउंटडाउन एंड कैन नॉट बी पॉज, यू कैन फिनिश योर अटेम्प्ट बिफोर द एक्सपायरी। अच्छा, दूसरी चीज़ कोशिश कीजिए मोबाइल से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, और क्योंकि लाइट अगर चली गई या इंटरनेट कनेक्शन आपका बंद हो गया या लैपटॉप बंद हो गया तो आपको दोबारा अटेम्प्ट नहीं मिलेगी, सिर्फ 20 मिनट होंगे आपके पास, ठीक है। स्टार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं हम। अब स्टार्ट करने के बाद क्या है भाई, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, स्टार्ट हो गया क्विज। अच्छा, अब ये क्या हुआ है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 20 मिनट जो हैं वो 20 मिनट का टाइमर शुरू हो गया, इसको जो मर्जी कर लूँ ये टाइमर बंद नहीं होता। अब आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ आएगा, व्हाट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, करिकुलम जो है वो कौन से वर्ड से ड्राइव किया है, ठीक है। तो अब ये इसमें जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, गूगल कर रहे होते हैं क्वेश्चंस के आंसर को, ठीक है। अब जैसे मेरे पास इस टाइम जो है वो गूगल का एरर आ रहा है कि मैं कौन से ब्राउज़र पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं कौन सी आईपी इन्होंने इस टाइम मेरी की हुई है, ये देखो ये इस टाइम एरर आ रहा है, ये अक्सर आप लोगों को भी फेस करना पड़ सकता होगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूँ, ये गाइज मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है आप भी इसी तरीके से टाइम वेस्ट करो, तो प्लीज़ आप लोगों ने गूगल के चक्करों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। कोशिश करो अपने पास बुक रख लो जिसके और वर्कशॉप को ईज़िली बैठ कर सुनो, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया अपना इसी चीज़ में, तो आपने पहले ही अपना कनेक्शन जो है वो सही करके रखना है, ताकि अल्लाह ना करे कोई भी आपको इशू हो तो आपको। अब जैसे यहाँ पर मैंने ओपन किया लेटेंट वर्ड से है, ठीक है, तो यहाँ पर लेटेंट वर्ड को जो है हमने क्लिक करके जिस पर भी ऑप्शन आपको ठीक लगे आपने उस पर क्लिक कर दे। अब एक क्विज पर मैंने 2 मिनट ज़ाया कर दिए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना ब्राउज़र वगैरह पहले से ही चेक करके रख लेना है, ठीक है। तो ये हरगिज नहीं करना है कि गूगल पर जाके सर्च करो, क्योंकि आपको ये इनके आंसर जो है वो किसी भी गूगल शूगल से नहीं मिलेंगे और ना ही आपको बुक से ज़्यादा आंसर मिलेंगी। ये आपने अपनी परसेप्शन और जो क्वेश्चन कंटेंट उन्होंने जो वर्कशॉप के लिए डेवलप किया है उसी से मुतल्लिक होगा। अब दूसरे सवाल में कहता है कोर्स ऑफ स्टडी कॉल्ड, ठीक है, कोर्स ऑफ स्टडी क्या कॉल्ड कहता है, हम इसको भी गूगल कर लेते हैं, मे बी हमें कोई जवाब मिल जाए। सिलेबस प्रोग्राम, ठीक है, करिकुलम हम इसको कर देते हैं सिलेबस, ठीक है, करिकुलम प्रोग्राम सारी चीज़ें आ जाती हैं तकरीबन, ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। इसी तरीके से जो जो आपके जवाब होंगे आपने उसको क्लिक करके नेक्स्ट करना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये अब प्रीवियस क्वेश्चन पर जाना है तो एंड आखिरी क्वेश्चन पर 20वें सवाल पर आपके पास फिनिश अटैम्प्ट होगा। मेरी एक बात याद रखिएगा कि फिनिश अटैम्प्ट करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को चेक कर लें और इसको फिनिश अटैम्प्ट के बटन पर क्लिक करें, ठीक है। अब फिनिश अटैम्प्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी अटैम्प्ट फिनिश हो जाएगी और इस पर चेक बॉक्स आ जाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो का आपको बताया था कि इसके अंदर से ये जो क्विज़ वाली प्रीवियस वीडियो है इसको आपने ज़रूर देखना है, इसके अंदर एक चेक बॉक्स वाला मैंने ऑप्शन बताया हुआ था। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। अच्छा, एक लास्ट ट्रिक आपको बताने लगा हूं, अगर स्टूडेंट आप देख लो यहां पर अगर आपका टाइम 1 मिनट रह गया है तो जल्दी से कोई ऑप्शन एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, जी मिसाल के तौर पर सी, जल्दी से सी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद आप उसको एडिटिंग करते रहो जो आपको सही लगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका टाइम क्लोज होगा ऑटोमेटिकली क्विज बंद हो जाएगा तो आपको ऑप्शन लगाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपके सी सारे ही सिलेक्ट होंगे तो हो सकता है कोई एक ऑप्शन आपका सही रह जाए, ठीक है, और ना अटेम्प्ट करने से तो बेहतर है कि आप कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो वो आपको अटेम्प्ट करने में हाँ हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर इस टाइम मेरी साइट लोड नहीं हो रही, तो यूनिवर्सिटी की साइट पर जिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पर तो कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा,
बट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी जिस टाइम 1 लाख यूज़र 50,000 यूजर भी इवन 30,000 यूज़र भी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की साइट भी डाउन हो सकती है। तो आपको भी ये चीज़ का सामना आ सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर शेयर करोगे कि सर हमने जो है हमने वर्कशॉप कर रहे थे तो हमें भी यही इशू फेस करना पड़ा। अब यूनिवर्सिटी के हर ऑफिशियल से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आपने जिस तरह से वर्कशॉप कंडक्ट करवाई है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मिसाल के तौर पर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पर वर्कशॉप कंडक्ट करवाई, ठीक है, आपने इस पर नहीं करवाई, आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पर करवाई, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम को देखते हुए आपने इस पर यूज़र डाले, मिसाल के तौर पर इस पर 100 यूज़र डाले ताकि वो जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट टीम पर जाएं, टीम पर 100 यूजर चला गया तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट पर लोड कम हो गया। लेकिन जब जिस टाइम आवाम क्विज करने आएगी तो वो 100 यूजर 200 यूजर का लोड ये वाली साइट बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जैसे प्रीवियस आपने देख चुके हैं कि साइट डाउन हुई है, तो इस दफ़ा भी साइट डाउन होगी तो स्टूडेंट को अल्टीमेट इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी प्लीज क्विज का टाइम जो है वो यूज़र्स को देखकर उस हिसाब से रखा जाए ताकि साइड, अब जैसे यह आप लोग देख रहे हो कि ये टाइमर स्टॉप नहीं हो सकता, आपके सामने पहले 19 मिनट आ रहा था, अब ये 15 मिनट हो चुका है, ठीक है। फिनिश अटैम्प्ट अगर आप नहीं भी करोगे तो परेशान नहीं होना, फिनिश अटैम्प्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब जैसे अगर मैं किसी एक क्वेश्चन का आंसर ना देता तो यह अन आंसर्ड आ जाता, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसी तरीके से आपने डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पर जाते हो, यहाँ पर अब मैं क्लियर चूज़ कर देता हूँ। अब मैं अगर फिनिश अटैम्प्ट करूँगा, मिसाल के तौर पर फिनिश अटैम्प्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक आंसर लिखा हुआ आ जाएगा कि नॉट येट आंसर, देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 नॉट येट आंसर। तो आपने देख लेना कि तमाम के आंसर्स आपके हों, और अगर आपके किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पर चले जाओगे, ठीक है। तो आपने उसको रीड करके क्वेश्चन को, ये मैंने बगैर रीड के लगाया हुआ, ठीक है, आपने फिनिश अटैम्प्ट पर क्लिक करना है। फिनिश अटैम्प्ट पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा हो, अगर नहीं भी करोगे फिनिश अटैम्प्ट तो तब भी आपका सबमिट हो जाएगा विद इन 20 मिनट, ठीक है, सबमिट ऑल टू फिनिश, ठीक है। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको कर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने जो है इसको ये रिव्यू मेरे पास आया, लेकिन आपके पास होपफुल ये रिव्यू नहीं शो होगा, ठीक है, और आपका क्विज अटैम्प्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके लिखा हुआ आ जाएगा। वैसे फ़िलहाल तो मैंने रिव्यू इसका बंद किया था, लेकिन जो है वो मे बी मैंने जो है वो रिव्यू इसका ऑफ करना भूल गया था। चलें कोई बात नहीं, आपको मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपके माइक कोर्सेज में जाओगे तो अब अगेन जो है वो चेक करोगे तो आपका क्विज ओपन नहीं हो रहा होगा। सॉरी, अब हम दोबारा से क्लिक करते हैं और हम जाते हैं क्विज़ की तरफ, ठीक है, ये क्विज़ की तरफ। तो अब ये क्विज़ सिर्फ एक ही अटैम्प्ट कर सकते हो, दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि यानी कि ये आपको ग्रेड भी शो नहीं होंगे, ठीक है, रिव्यू भी शो नहीं होगा, सिर्फ अटैम्प्ट क्विज़ ना होगा, जैसे बटन आ रहा था वो अब इस टाइम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो फिर से रिव्यू कर देता हूँ क्विज़ के लिए कौन सी अहम बातें हैं, हाँ, क्योंकि सारों को कन्फ्यूजन होगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आपने अटैम्प्ट क्विज नाउ के बटन पर क्लिक करना है, 20 मिनट होंगे, कोशिश करना है इंटरनेट, और आपने जो है वो डायरेक्ट आपके पास बुक वगैरह अवेलेबल हो ताकि उसको आप जल्दी चेक कर सको। अगर 1 मिनट से कम रह गया हो तो जल्दी से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी, अब ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर दी है और ज़्यादातर लोग भाग गए होंगे वीडियो देखते हुए, तो अब थोड़ी सी ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर कर दूँ। बेटा परेशान ना हो, इन क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से होंगे, ये प्रीवियस क्विज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई फील आई विल सम डे मेक अ रियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इफ़ आई वर्क हार्ड एट इट, यानी कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो हाँ भाई मैं जो है ना वो बेहतर तौर पर मुल्क के लिए काम कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए कर सकता हूँ। तो भाई इसको आपने स्ट्रॉन्गली एग्री ही करना है, ये आपको क्विज़ जो होगा वो सैम्पल साइज़ की सूरत में होगा, जिस जो कि एग्री डिसएग्री स्ट्रॉन्गली एग्री तो इस पर आपके होगा, तो ठीक है। तो अगर आप जो इमेजिनेशन क्रिएटिंग थिंग जो होगा ये सर्वे बेस्ड क्विज़ होगा, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो होंगे वो क्वेश्चंस आपको इसी से रिलेटेड होंगे, बुक से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके होंगे सर्वे बेस्ड, जैसे मैंने आपको ये प्रीवियस क्विज का दिखाया है, यहाँ पर भी आंसर अन आंसर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अन आंसर करके दिखाया था, इस तरह ये भी इसी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैसे ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यार इतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग जो है वो
अब अगेन जो है वो जैसे रिव्यू मैंने आपको ये दिखाया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही रिव्यू आ रहा है उसके पास। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग चाहो तो ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट बना लो, आई विल डिटरमाइन। ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए थे क्विज में, हर एक का एक ही नंबर होगा। आई फील प्राउड माई सेल्फ, ईजी क्वेश्चन है, कोई इतना वो नहीं है। अगर थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज हो तो आप इनके आंसर दे सकते हो, ठीक है। परेशान नहीं होना क्विज़ के लिए, लेकिन क्विज़ ज़रूर अटैम्प्ट करना है। और अगर लास्ट टाइम रह रहे हो तो कोशिश कीजिए, अगर एग्री हो तो उसको एग्री 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 कर दें, या डिसएग्री जो उसको रीड करके उसके मुताबिक कर दो, ठीक है। टाइम से पहले सबमिट ना करो और परेशान ना हो, टाइम अगर कंप्लीट हो भी गया तो इंशाल्लाह आपका सबमिट हो जाएगा। सॉरी 15 मिनट की वीडियो हुई है, आपको बर्दाश्त करनी पड़ी है, लेकिन चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं इसमें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर करोगे, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पर, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच गई तो उसको क्विज़ अटैम्प्ट करने का तरीकेकार आ गया, तो उसके ये जो है एक सदका जारी है आप लोगों के लिए। फनी वीडियोज़ तो आप लोग शेयर करते रहते हो, एक ये वीडियो भी ज़रूर शेयर करना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।